सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में 7 मार्च से 17 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाएं सुधारने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ न हो। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने TV24 से खास बातचीत करते हुए बताया कि कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भोपाल इंदौर राजमार्ग भारी वाहनों के लिए पूरी तरह डायवर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर 10 बिस्तरों का ICU केंद्र और हेल्थ कैंप बनाए गए हैं। इन हेल्थ कैंप में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। कुबेरेश्वर धाम में 7 मार्च से भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी है। आइए जानते हैं रुद्राक्ष महोत्सव में क्या व्यवस्था की गई है। उद्योग क्या व्यवस्था है इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में? जी, 2024 रुद्राक्ष महोत्सव 7 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित है, जिसमें बहुत सुंदर व्यवस्था है। जैसा पिछले वर्ष भक्तों का कहना था कि बहुत अच्छे से व्यवस्था और अच्छे से बढ़ाई जाए, उसके अनुसार अब की बार बैठक व्यवस्था भी लगभग 5 से 7 लाख स्क्वायर फीट में करी गई है और भोजन चाय नाश्ता सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रखी गई है और सारी व्यवस्था उत्तम करी है। क्या इस बार विशेष रहने वाला रुद्राक्ष महोत्सव में और रुद्राक्ष क्या विशेष है इस बार? देखिए, रुद्राक्ष तो अपने आप में ही विशेष है। जो पहले रुद्राक्ष वितरण होता था वैसा के वैसा ही अनुष्ठान अभी भी रुद्राक्ष का अभिषेक पूजन वैसा के वैसा ही रहेगा। मूल है रुद्राक्षों का दर्शन। जो रुद्राक्ष उत्सव में जो शिवलिंग बनता है उसके अंदर जो रुद्राक्ष भरे रहते हैं, केवल मात्र उसका दर्शन ही बहुत मूल होता है। शासन प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है रुद्राक्ष महोत्सव में? सारे रोडों का मैप बनाना, रोडों की व्यवस्था करना, पार्किंग व्यवस्था करना और चिकित्सा व्यवस्था करना है प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा। हाल ही में रुद्राक्ष महोत्सव में ICU वार्ड भी बना, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ICU वार्ड 10 बेड का आश्रम में भी बनाकर रखा गया है और 500 मीटर की दूरी पर एक 10 बेड का ICU वार्ड और बनाकर रखा गया है, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मशीन और डॉक्टरों की टीम, नर्सों की टीम, सारी व्यवस्था उसमें रखी गई है। जैसा कि गुरुदेव ने कहा, शासन प्रशासन द्वारा भी पूरी व्यवस्था की गई है। TV24 के साथ शशांक दीवान सिंह।